कल रात 9 बजे जो है खाना बना रहे थे ग्रामवासी, और वो सिलेंडर गैस सिलेंडर लीक हुआ जिससे थोड़ा साग लग गया। तो औरत घर पे थी, आदमी गए थे गांव में, दौड़ के आए तब तक आग पकड़ लिया। तो एक दो परिवार है इनका, बापू तो अलग अलग रहते हैं, तो पहले एक घर में लगा आग लगी तो फिर दूसरे में पड़ गई, दो सिलेंडर जो था दोनों ब्लास्ट हो गया। 12 बकरियां इनकी जो जल गई और इनका 15,000 नगद रुपया जल गया, और खाने पीने का जितना भी सामान है ए टू जेड जितना भी गृहस्थी जीवन का है सब जल करके इनका राख हो गया। और उसके बाद तुरंत ही जो ही जानकारी हम लोग को हुआ तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किए, उसके बाद में वहाँ कोतवाली को सूचना दिया गया और तुरंत जो प्रशासन को सूचना दिया गया, कोतवाल वगैरह सब मौके पर आ गए लोग। लेकिन चूँकि आगजनी का घटना इतना जबरदस्त था, दोनों सिलेंडर इतना जोरों से ब्लास्ट हुआ, सब लोग डर के गांव के किनारे खड़े थे। और उसके बाद में जो ही वो सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद में सभी लोग आए आग बुझाए, और ये लोग खाने के लिए त्रस्त हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। और सुबह जो है सारे गाँव लोगों को इकट्ठा करके जितने लोग थे सारे लोग इकट्ठा करके हम लोग एक मीटिंग किए, उसमें हुआ कि सबको अनाज राशन पानी चावल आदि का सारा व्यवस्था किया गया है। और उसमें आज लेखपाल वगैरह भी आए हैं, सब लोग SDM साहब का भी फोन आया था, उसमें व्यवस्था हो रहा है। तो जो भी इनकी व्यवस्थाएं होंगी सब हम लोग अपने स्तर से उसका व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं, शासन प्रशासन से कि इनका मदद करें। और जो चूंकि ये घटना टोटल गैस के सिलेंडर से के लीक होने से हुआ है, इसलिए ये है कि SP गैस सिलेंडर से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनसे जो भी क्षति हुआ है इनका बीमा दिया जाए, क्षतिपूर्ति इनका किया जाए, ताकि ये गरीब परिवार का जीवन यापन बढ़िया से हो सके। हनीफ है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे पास घटना हुआ है, कल सोमवार का दिन था और रोटी बनाते वक्त में ये गैस लीकेज हुआ, और गैस लीकेज होने के कारण हमारी 13-14 बकरियां मर गई, और हम लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में भागे, बच्चे को बचाए, और इसमें बचने के चक्कर में सब घर और जल गया, अनाज पानी सब जल गया, हम लोग एकदम बेहाल हो चुके हैं।